अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें मिशन 50 में है सर। फिर से जब से आंसर किया आया है सर, चर्चा कर लिए हैं और फिर से कट ऑफ बताएंगे। इससे पहले भी आप यदि नहीं देखे हैं तो वहां भी जाकर कट ऑफ देख लेंगे। रजनीश सर लगातार हमेशा से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, खासकर आप देखते हुए 24 घंटा क्लास लेते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं, तो जरूर देखें और क्लास भी करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम जी। बहुत धन्यवाद। बहुत सारे अभ्यर्थी आपके पास सर आए होंगे, चूंकि सब लोग आंसर की मिला लिए, सभी मिला चुके थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक संस्थान में मिलाने के बाद फिर दूसरे संस्थान में मिलाते हैं, फिर तीसरे जगह मिलाते हैं, जहां मैक्सिमम अंक आता है उसको बताते हैं कि मेरा इतना आ रहा है। लेकिन अब तो वैसा कुछ बात नहीं है, अब जब आंसर की ओरिजिनल दे दिया गया कितना वेरिएशन मिल रहा है सर। देखिए अधिकांश बच्चों का तो मार्क्स कम हुए, अधिकांश का कम हुआ है, कुछ बच्चों का बढ़ा भी है लेकिन बहुत कम है, वो बहुत कम बच्चों का बढ़ा है, और ज्यादातर बच्चों का मार्क्स 3 नंबर 4 नंबर तो कम से कम कमा है सबका, आयोग के आंसर की से। हालांकि आयोग ने भी 2-3 प्रश्नों का उत्तर मुझे लग रहा है डाउटफुल दिया है, क्लेम होने के बाद वो बदलेगा, लेकिन सभी बच्चों का मार्क्स कम हुआ है। तो इस नाते अब कई कॉल्स भी मेरे पास आए जिसमें बच्चों ने जितना मार्क्स पहले बताया था उससे 4-5 मार्क्स कम बताए, और संसद में फोन किया कि सर अब मेरा होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जो पहले मैंने कट ऑफ बताया था उस कट ऑफ से अब तो कम ही कट ऑफ कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। सर पहले भी कम था तो अब और कम हो जाएगा जी? बिल्कुल कम होगा, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी तो लगभग मान के चलिए कि 95% से ऊपर बीएड के अभ्यर्थी बाहर ही हैं। तो बीएड के अभ्यर्थी बाहर हैं तो डीएलएड में उतना ज्यादा कंपटीशन पहले भी नहीं था, और अब आंसर शीट बीपीएससी के आने के बाद कई लोगों का स्कोर बहुत ज्यादा नीचे हुआ है। ऐसे में जो मेरा अनुमान है कट ऑफ को लेकर, जनरल का कट ऑफ किसी कीमत पर 55 से पार नहीं जाएगा। 55 हाईएस्ट, लेकिन बीपीएससी चमत्कारी का आयोग है, मैं फिर भी कहता हूं स्कोर कितना चला जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड था, जिस तरीके से लोगों का स्कोर कम हुआ है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमको संपर्क करने की कोशिश किए हैं, उनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि 55 से ज्यादा मेरिट किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है 53-54 जनरल का मेरिट होना चाहिए। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस और BC2 की बात करेंगे तो ये 48 से 52 के बीच में आ जाएगा। अगर EBC यानी कि BC1 की बात करेंगे तो ये 45 से 47 आगे गिरेगा। SC कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे, बॉयज की बात कर रहा हूं, तो इसमें आप मान के चलिए कि 42 से 45 के बीच मेरिट रहेगा। ST चूंकि कम सीटें होती है तो उनका कट ऑफ 50 के आसपास रहने की संभावना होगी। सर इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सब लोग कट ऑफ बता रहे हैं लेकिन PH कोटा से, और उसके बाद फ्रीडम फाइटर वाले नहीं बता पा रहे हैं। सर देखिए PH कोटा का तो सबसे न्यूनतम स्कोर होना चाहिए, जो क्वालिफाई कर गया 40 मार्क्स जनरल में क्वालिफाइंग है, उसके पार जो कर गया PH में, फ्रीडम फाइटर में, दोनों में बता रहा हूं मैं, PH और फ्रीडम फाइटर दोनों का स्कोर 40 के आसपास ही होगा जी। तो ये कंफर्म है 40 से 42 के बीच फ्रीडम फाइटर और ये PH वाले का कट ऑफ रहने के समय। सर महिला अभ्यर्थी देखा जाए तो महिलाओं के लिए एक दिया गया है कि 40,000 सीट रिजर्व रहेगा, उसमें भी आपको जाना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जनरल में भी क्वालिफाई करेंगे, पुरुष में भी जाएंगे, क्योंकि महिला भी अब पीछे नहीं है, तो इसको देखते हुए सर महिला का कट ऑफ कितना कम रह सकता है? देखिए सर एक्चुअली महिलाओं का जो पेपर था वो भी बॉयज से आसान था, तो ऐसे में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती में कई ऐसे ग्रामीण परिवेश की भी लड़कियां तैयारी कर रही थी, इसलिए कॉम्पिटिशन इसमें लड़कियों में ज्यादा नहीं है। तो गर्ल्स का कट ऑफ पेपर आसान था, इसलिए मान के चले कि 48 से 52 के बीच में जनरल का हो जाएगा, 48 से मैक्सिमम 52, 52-53 से ऊपर गर्ल्स जनरल का कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो 52-53। जिन गर्ल्स का कट मार्क्स 52-53 आ रहा है वो समझिए कट ऑफ से ऊपर है, 55 आ रहा है तो कंफर्म अंदर है। BC2 और EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो 45 से 47 के बीच आराम से होगा। अगर बात करेंगे BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की बात करेंगे तो ये मान के चलिए कि 42 से लेकर 45 के बीच रहेगा, और जो SC लड़कियां हैं उनका 40 के आसपास में हो जाएगा। और देखिए कहीं हो सकता है ऐसा ना हो कि 40 के नीचे भी चले, बहुत अतुल प्रसाद सर ने भी बोला था कि अगर जरूरत पड़ी तो कट ऑफ को हम डाउन भी करेंगे, जो मिनिमम क्वालिफाई अंक है उसको भी डाउन करेंगे। गर्ल्स में मुझे भी लग रहा है कि कुछ कैटेगरी में उनको कैप के नीचे आना पड़ेगा, हाईएस्ट कैप के नीचे कुछ कैटेगरी में आना पड़ेगा, सारे कैटेगरी में तो नहीं कर सकते, पर कुछ कैटेगरी में उनको कैप के नीचे भी आना पड़ सकता। सर ओनली केवल डीएलएड देखा जाए तो क्या पुरुष में भी कुछ कैटेगरी में डाउन करना पड़ सकता है?
पुरुष में संभावना कम है थोड़ा, लेकिन अब पुरुष में मुझे संभावना बहुत ही कम लग रहा है, पर किसी कैटेगरी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं कर सकते कि ये बच्चे कम टैलेंटेड होते हैं, हर कैटेगरी के बच्चे मेहनत कर रहे हैं और टैलेंटेड हैं। तो मुझे नहीं लगता संभावना कि बॉयज में कोई कैप के नीचे आना पड़ेगा। यदि 9th 10th देखा जाए, 11th 12th की चर्चा करें, तो 9th 10th में भी अभ्यर्थी कम ही है, मतलब उस अनुपात में जिस तरीका से 1 to 5 में है, और 11th 12th में देखा जाए तो एक सीट पर भी अभ्यर्थी कम पड़ जा रहा है। लेकिन 11th 12th में कंप्यूटर को लेकर और 9th 10th में आते हैं तो यहाँ पे सोशल साइंस में लेकर, इन सारे चीज में क्या सर कट ऑफ रह सकता है? देखिए वहां तो विषय के अलग अलग विषय का अलग अलग कट ऑफ बनाएंगे वो, लेकिन 2 पे 1 है, वहां पर बहुत कम कंपटीशन है। तो मैं कह रहा हूँ कि सोशल साइंस की अगर बात करेंगे तो ये मान के चलिए अधिकतम मुझे लगता है कि खूब जाएगा कट ऑफ तो 65 से ऊपर SST में कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, 60 वाले का भी होना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है, 70 पार तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 65 अधिकतम। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन टफ थे तो वहां पर 50-55 में भी रिजल्ट होगा, होगा 100% ज्यादा है, फिर संख्या है, फिर भी टफ क्वेश्चन थे वहां। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आसान था तो यहाँ कट ऑफ वही SST के बराबर रहने की संभावना है। साइंस की बात करेंगे तो साइंस का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से टफ था तो 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है सर। मतलब उसमें भी बताया गया था कि ऐसा बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप केवल क्वालिफाई कर जाते हैं अपने अपने कैटेगरी में फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चूंकि संख्या ही नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और साइंस वाले में मुझे लग रहा है कि कट ऑफ के आसपास ही, मतलब जो उनका कैप है ऊपर का उसके आसपास ही कट ऑफ जाने की संभावना है। सर अब 4 तारीख से एग्जाम होने वाला है, तरीके से एक एक पॉइंट को अतुल प्रसाद सर ने देखा और समझा और उसको मौका देते हैं, अभी भी आ जाइए तो अभी भी दे रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक आप अपना सुधार कर सकते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। जहां भी उनको समस्या होता है अभ्यर्थी को देते हैं, क्या उसी तरीका से जिस तरीका से वो पारदर्शी तरीका से एग्जाम कराते हैं या बच्चे को चाहते हैं कि कम परेशानी हो, सभी बोर्ड को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं तो अतुल प्रसाद सर को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिस तरीके से वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इसका फायदा ये होगा कि फर्जी लोग पहले बाहर हो जाएंगे, दूसरा फायदा ये होगा कि बाद में डॉक्यूमेंट को लेकर आरक्षण को लेकर जो कोर्ट केस होता है ये भी नहीं होगा, टाइम से रिजल्ट आएगा, टाइम से ज्वाइनिंग होगी। वैसे ज्वाइनिंग ही रोक दिया जाता था कोर्ट की तरफ से, कोई आरक्षण को लेकर मैटर आ गया तो पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आरक्षण वाला मैटर सॉल्व हो जाएगा, साथ में फर्जी लोग हो जाएंगे। इसमें आगे चलकर अभ्यर्थी के लिए भी आसान है, आयोग के लिए भी आसान है, और मैटर जो है कोर्ट में फंसेगा भी नहीं, बहुत बेहतरीन काम है। हर बोर्ड को, हर आयोग को यही काम करना चाहिए सर। इससे यह भी बेनिफिट हो जाएगा जिस तरीके से 11 12th में जो बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे या जो बच्चे उसके बाद 9th 10th में कर लेते हैं, उसके बाद 1 टू 5 में और आसान हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, ऐसा होता था कि एक ही आदमी तीनों जगह रिजल्ट आ गया तो सीटें तो कैप्चर हो जाती थी और जो जेन्युइन कैंडिडेट वहां तक पहुंच नहीं पाता था। पहले वो एक अच्छा काम कर रहे हैं कि 15 तारीख को बोले हैं कि 9th 10th 11th 12th का हम रिजल्ट दे देंगे, उससे क्या होगा कि जो 9th 10th में जिनका आ जाएगा 11th 12th में वो है एंगेज हो जाएंगे, तो बाकी जो है एंगेज हो जाएंगे उनको हटा दिया जाएगा और बाकी लोग उनको छाट कर रिजल्ट देना होगा। इससे क्या होगा कि रियल कट ऑफ भी आएगा, साथ में जो बच्चे बाहर हो जाएंगे इनके वजह से वो बाहर नहीं होंगे, तो फायदा है कि पहले इनका दे दे रहा है जिससे यहाँ पर लोग आ जाएंगे, फिर अगला जो रिजल्ट आएगा 1 to 5 में तो उसमें इनको हटा दिया जाएगा सर। इससे 1 to 5 अभ्यर्थी को बेनिफिट होगा। दूसरा बात देखा जाए तो जो भी अभ्यर्थी सर सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, जो फर्स्ट अपीयरिंग वाले फॉर्म भरे हुए हैं या बीएड जो क्वालिफाई नहीं है, केवल अपीयरिंग वाले जो भी फॉर्म भरे हैं बीएड या सीटेट, तो सर उन लोगों का जो देखा जाए तो इस बार सीटेट का अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा प्रश्न लेवल भी ठीक था और इधर बीपीएससी का भी एग्जाम था, तो बच्चे यदि बच्चे सर वहां पे आउट हो जाते हैं तो सीट खाली भी रह सकती है। बिल्कुल सर, अगर उसके चूंकि अभी उन्होंने अपीयरिंग को चांस दिया है तो बिल्कुल ऐसा होगा कि कई बच्चे जिनको चांस मिल जाएगा और सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे तो बाद में बाहर होंगे तो सीट वैकेंट रह जाएगा। जो अभ्यर्थी का कम अंक आ रहा है सर उनको आप क्या संदेश दीजिएगा, जो हतोत्साहित हो जा रहा है कि मेरा मात्र 50 ही आ रहा है, मेरा मात्र 40 ही आ रहा है, तो क्या उनको अभी धैर्य रखना चाहिए? बिल्कुल सर, क्योंकि हो सकता है, मैंने 55 स्कोर बताया है, हो सकता है स्कोर 50 पे भी आके गिरे, तो बिल्कुल रिजल्ट आने तक आप आशान्वित रहिए, आपका रिजल्ट भी हो सकता है 50 हो या 40 हो, हताश नहीं होना है, क्योंकि जब जो सीटें खाली हो जाए, मान लीजिए मैं तो कर रहा हूँ 55 मैंने बताया, 50 भी कट ऑफ जाएगा तो जाएगा 50 तो आपका हो जाएगा, अगर नहीं भी होता है, मान लीजिए नहीं हुआ किसी कारण बस, तो जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी 1 to 5 में किसी कारण से, 6 to 8 में तुरंत वैकेंसी आने वाला है, तो हताश न होइए, SAT के एग्जाम को आप ठीक से दें, अच्छे से दें, ताकि आपको
इस स्टेट में क्वालिफाई कर जाएं और आगे की वैकेंसी का आपको लाभ मिले। हताश नहीं होना है, लगातार पढ़ते रहना है। जो सीटें 1-5 में खाली रह जाएंगी, 6-8 की वैकेंसी, 9-10, 11-12 में जो सीटें खाली रह जाएंगी, तुरंत दिसंबर में फॉर्म आ रहा है। हताश किस बात का होना, हम एक शेर हमेशा बोलते हैं कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। बच्चे को सर परेशानी है, उसमें सर आप क्या कहिए? देखिए स्टेट वाले में मुझे, मैं तो अपील करना चाहता हूँ बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कि उन्होंने सुधार का मौका दिया, पर कुछ पॉइंट्स में सुधार हो रहे हैं। जैसे जो सब्जेक्ट डाल दिया गया पहले से, उसमें बदलाव करने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये बोर्ड से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार जो इनका सब्जेक्ट गलत हो गया है उनको भी बदलने का मौका बोर्ड दे, क्योंकि मेरे पास कम से कम सर 50 बच्चों का कॉल आया है कि सर प्लीज हमारा तो करियर ही चला जाएगा, उधर बीएड थे तो भी गया, सर यहाँ सब्जेक्ट गलत भरा गया, या आयोग की गलती से, मेरी गलती से, किसी की भी गलती से गलत भरा गया है, तो प्लीज बोर्ड ये काम करे कि उनको भी कुछ मौका दे दे, 10 घंटे का ही मौका दे कि बदलाव अपना करिए, तो विषय में बदलने का मौका दे दे, क्योंकि वो गलत विषय से परीक्षा देंगे तो पहले तो क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्वालिफाई कर भी जाएंगे तो आगे उस डिग्री का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए बोर्ड से मेरा आग्रह है, विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि जिनका सब्जेक्ट गलती हो गया, नाम गलती हो गया, इन सब में बदलाव का मौका होते हैं। सर जिस सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।